ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષામાં જાહેર કરાયેલા પરિણામમાં દમણનું પરિણામ 69.32% આવ્યું હતું. છેલ્લા વર્ષોમાં સંઘ પ્રદેશના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલના માર્ગદર્શનથી પ્રશાસનના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શિક્ષણનું સ્તર ઊંચું લાવવા માટે કરાયેલા પ્રયાસના પગલે આ વર્ષે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ પાછળના વર્ષો કરતાં ઊંચું આવ્યું છે. આ પરિણામમાં દમણની અવર લેડી ફાતિમા સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી દેડરાણી મોહમ્મદ સફરાદ ફિરોજ 81.21% સાથે દમણમાં પ્રથમ તથા આમદ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી રાણા શહેરી મયંગ 80.40% સાથે દ્વિતીય ક્રમે તથા સાર્વજનિક સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી અંસારી મોહમ્મદ તાહિદ તોફિક 78.40% સાથે ત્રીજા ક્રમ આવી ઝળહળતી સફળતા મેળવી હતી. જોકે ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં ખાનગી સ્કૂલો કરતાં સરકારી સ્કૂલનું પરિણામ ઊંચું ટકાવારી સાથે સારું આવતા લોકોની સરકારી સ્કૂલ કરતાં ઊંચી ફી વસૂલ શિક્ષણ આપતી ખાનગી સ્કૂલોમાં સારું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તેવી માનસિકતા ખોટી સાબિત થઈ છે. ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ કા ઓર ભી અચ્છા રહ્યા હૈ. ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં હમારે કરીબ 82% બચ્ચે પાસ હો ગયે હૈ, જો કે હમારે લિયે બડી પ્રાઉડ કી બાત હૈ પૂરી એડમિનિસ્ટ્રેશન કી. ઓર સાથ કી સાથ અગર ગવર્મેન્ટ એન્ડ ગવર્મેન્ટ એડિડ દેખે જાય તો હમારે રિઝલ્ટમાં કરીબ 10% કી બઢોતરી હુઈ હૈ. વો ભી હમારે લિયે બહોત બડી અચીવમેન્ટ હૈ. ઇસ સબ કે પીછે કારણ હમારે માનનીય પ્રશાસક સર કા સબસે બડા રોલ હૈ, જો ઉન્હોને બહોત रुचि लेके हमें दिशा निर्देश दिए कि आप ऐसे बढ़ा सकते हैं. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पूजा मैडम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, एडवाइज़र सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा. तो उस सब की बदौलत हमने कोचिंग स्टार्ट करी 3 महीने की स्पेशल, जिसकी वजह से साइंस के बच्चों को बहुत बढ़ोतरी मिली और उनको स्पेशल डेडिकेटेड कमियों पर उनको फोकस करा गया, जिसकी वजह से वो पासिंग परसेंटेज तक पहुँच पाए और अच्छा रिजल्ट लाए. उसके साथ साथ प्रशासक माननीय प्रशासक महोदय के कहने पे हमने वीकली टेस्ट भी करवाए थे, तो वीकली टेस्ट से भी एक हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल कंटिन्यूस चलता रहा पूरे साल भर. उसकी वजह से भी टीचर लोग की रुचि बनी रही बच्चों को पढ़ाने में, जिसकी वजह से रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आप सब देख ही सकते हैं. इसके अलावा आने वाले समय में हम अब ये करने वाले हैं कि हमारा डिजिटल क्लासरूम होने वाला है और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो टीचरों का, वो और हमारा थोड़ा बेटर हो जाएगा, जिससे मंथली बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि बच्चों को कहाँ कौन सा विषय कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से जो उनके कमज़ोर विषय हैं वो पहले ही पकड़ में आ जाएंगे और रिजल्ट हमारा इससे भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा अगले साल. इसके अलावा हमारा जो पिछले साल हमने स्पेशल कोचिंग करवाई थी 3 महीने की सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, वो सिर्फ 3 महीने की हो पाई थी, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इतना बढ़ गया है. अब ये हम आगे आने वाले समय में और लंबे अवधि के लिए करवाएंगे, जिससे हमारा रिजल्ट इससे कहीं बेहतर आने वाले समय में भी हो जाएगा और गुजरात के हम पूरे भारतवर्ष में सबसे आगे हो जाएंगे. और इसके अलावा बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो उत्तीर्ण हुए हैं, और जो नहीं हो पाए हैं उनके लिए आगे अवसर और है, दोबारा दे सकते हैं, पास हो सकते हैं. आगे एक एग्ज़ाम उनके लिए सिर्फ ज़िंदगी का वो नहीं होता, बहुत तरीके होते हैं, बहुत लाइफ में बहुत एवेन्यूज हैं. दोबारा पेपर दे, पास होएं, मेहनत करें, आगे लाइफ में अच्छे इंसान बनिए भारत के लिए, हमारे देश. सर, तीन टॉपर का नाम क्या है? हमारे तीन टॉपर का नाम मैं आपको बताता हूँ. पहला है देदरानी मोहम्मद सरफराज, इनकी 81% है लेडी फातिमा स्कूल से. और दूसरे टॉपर हैं राणा श्रेय मयंक, 80.4% है, ये भी लेडी फातिमा से.